गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट आवर चैप्टर नंबर 2 इज गोइंग ऑन एंड इन दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज अपना लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें MCQ केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। ओके, तो टिक करने के लिए कभी कभी आपको सॉल्व करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन तो आप बिना देखे ही टिक कर सकते हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम सॉल्व करना पड़ता है, तो उनको सॉल्व करें, आंसर फाइंड करें, फिर उनका करेक्ट आंसर टिक करें। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर फाइंड करना है हमको, कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है इन सब में, इन सब में सबसे बड़ा दिख रहा है 203 में किसका स्क्वायर बन सकता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2 4 किया, ऐसी ऐसा कौन सा नंबर है जो जिसका स्क्वायर इससे बड़ा है, जैसे 14 का स्क्वायर 14 × 14 किया तो 196 और 15 × 15 किया 225। तो ये नंबर हमारा 196 और 225 के बीच में है, तो 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। तो हमें 15 तक के प्राइम नंबर से चेक करना है, अगर इनमें से नंबर 15 तक के प्राइम नंबर से अगर डिवाइड नहीं होगा तो फिर वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब वो प्राइम ही होगा। ओके, जैसे 139 लिया हमने, 139 को डिवाइड करके चेक करें, जैसे इसमें यूनिट डिजिट 9 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट फाइंड कर लें, 9 × 3 = 12 × 1 = 13 हो गया, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 05 नहीं है। 7, ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको चेक करेंगे, 7 से डिवाइड करने के लिए 7 का इसमें डिवाइड किया तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये। ओके, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो अब आगे क्या आता है, 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, 13 से नहीं हो रहा, अब ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। अब आगे का क्या हाल है, ये प्राइम नंबर है या नहीं इनको भी चेक करेंगे हम। 203 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, लेकिन 7 से है, 7 का डिवाइड करेंगे इसमें हम तो 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 + 1 + 1 3 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो गया। ये नंबर इसको चेक करिए आप, ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, तो बाकी सभी नंबर किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 139 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 90 और 100। 90 और 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं, हमने आपको प्राइम नंबर की लिस्ट दे दी है जिसमें 1 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, उनको आप चेक करें, एक बार चेक करिए फिर देखिए कि 90 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर बन रहे हैं, चेक करके देखें। तो चेक करके हमने देखा कि 90 और 100 के बीच में केवल एक ही प्राइम नंबर है, वो कौन सा है, 97, ओनली वन। ओके, तो वन पर टिक कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिए गए हैं उनका आप SCF फाइंड कर लें, उनका आप SCF निकालें, अगर जो SCF आएगा उसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए SCF 1 आया, इसका मतलब जो नंबर दिया है वही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, फिर वो रिड्यूस नहीं होगा, तो SCF फाइंड करिए आप। तो 6992 का SCF ऑफ 69 और 92, तो प्राइम फैक्टर मेथड से ही कर दें, 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 × 23
और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 2 × 23, तो 23 दोनों मिल रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया 23 से डिवाइड करेंगे हम 69/92, 69/23 एंड 92/23 क्या हो गया 3/4, तो 3/4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर एंड 3/4 इज ऑप्शन नंबर ए, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 9। अब चेक करें 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, एक बार चेक कर लें, नोट जो नोट है आपके पास उसको देख लीजिए, उसमें देखेंगे कि 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जब सम ऑफ डिजिट्स किसी नंबर के डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट इसके डिजिट का सम किया, 6 + 0 + 2 + 3, 3 × 5 = 11, 11 हो गया 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 × 5 = 7 नहीं होगा, ये नंबर 8 × 6 = 14, 14 × 22 = 5, 27 9 से डिविजिबल होता है, सो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 6 × 8, 8 × 3 = 11 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 और 80, तो सबसे पहले 60-80 के बीच के सारे प्राइम नंबर लिख लें आप, क्वेश्चन नंबर 5, 60-80 के सारे बीच के प्राइम नंबर्स हैं 61, 67, 71, 73 और 79, इन सबको ऐड कर लीजिए, इनका सम फाइंड करिए, 61 + 67 + 71 + 73 = 79, सम आ रहा 351, सो इस ऑप्शन को 315 जो लिखा है इसको 351 लिखें आप, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आप, 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 3 5, तो 3 3 5 ये ऑप्शन नंबर बी, 3 3 3 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका एलसीएफ 1 होता है, वो नंबर प्राइम है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो यानी उनका एलसीएफ 1 फाइंड हो जाए तो वो कोप्राइम कहे जाते हैं। अब 59 कोप्राइम है, 23 भी कोप्राइम है, 1972 भी कोप्राइम है, 1232 कोप्राइम नहीं क्योंकि दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कोप्राइम नहीं है, तो दिस पेयर इज नॉट अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। 8th क्वेश्चन, व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3। स्टार की जगह पर कौन से डिजिट लिख दें हम कि ये नंबर छोटे से छोटा, लीस्ट वैल्यू सबसे कम कितनी वैल्यू लग सकते हैं हम स्टार की जगह पे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो भी डिजिट दिए गए हैं उनका सम फाइंड करें आप, जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करिए, क्वेश्चन नंबर 8, 3 + 6 + 2 + 4 + 1, स्टार को छोड़ दें, इनका सम फाइंड किया हमने 16 हो गया। अब 16 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है,
16 से बड़ा ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है वो 18 होता है। नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड ग्रेटर देन 16 विल बी 18। देयरफॉर स्टार की जगह पे क्या जाएगा, 18 माइनस 16 इक्वल्स टू, स्टार की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 2, देयर विल बी 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इसके जो बाकी के ऑप्शन है 9, 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आप। इस प्रकार से अपना चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर आप फेयर नोट में कंप्लीट कर लें, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर चेकअप भी है, इसको कंप्लीट करेंगे आप, एनी प्रॉब्लम सेंड इट टू मी। मेंटल मैथ इसको कंप्लीट करेंगे, बाइबल वाइज भी कंप्लीट कर लेंगे, तो पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब नांगे नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करेंगे। ओके, गुड बाय टू ऑल।